हमेशा से बांस और उससे बने सामान हमारी परंपरा और दैनिक जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं। आज झारखंड के बांस की कला देश और दुनिया में अपना जादू बिखेर रहा है। बांस की तितलियों पर अपने हाथों के हुनर का जादू बिखेर रहे ये लोग किसी सुदूरवर्ती गांव के नहीं हैं, बल्कि ये राजधानी रांची के रिहायशी इलाके बरियातू के एक मोहल्ले के रहने वाले हैं। इनके हाथों की कला की खुशबू अब विदेशों तक फैलने लगी है। कभी डाला, टोकरी और सूप जैसी घरेलू जरूरत की चीजें बनाने वाले ये हाथ अब बांस से सुंदर कलाकृतियां बनाने में लगे हैं, जिसकी देश और देश के बाहर जबरदस्त मांग है। पहले जो बनता था, टोकरी बनता था, सूप बनता था, तो वो तो मतलब सीजन के हिसाब से ही चलता था, अनसीजन में तो चलता नहीं था और उसका रेट भी कम था। इसके बाद हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया, इसके बाद हम लोग सीखे, इसके बाद इस काम कर रहे हैं। वहीं इस काम से जुड़ी विनीता सिंह बताती है कि इनके हाथों से बने बांस के सामानों की जब देश और दुनिया में कद्र होती है तो इन्हें अपनी कला पर काफी फक्र होता है। यही नहीं, यह इनके आय का एक बेहतरीन जरिया भी साबित हुआ है। कुछ दिन लगा सीखने में, उसके बाद सीखते सीखते सीख भी गए और अच्छा भी लग रहा है कि हाँ, एक हाथ का कला होना चाहिए। और उससे ज़्यादा खुशी मिलती है कि सीख गए हैं, एक दूसरे जो खरीद रहा है वो भी बोल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को भी अंदर से अच्छा फीलिंग आ रहा है कि हम लोग एक हुनर सीखे हैं और उससे काम भी करते हैं, थोड़ा बहुत घर भी चल जाता है। इस काम से जुड़ी कोशीला कुमारी और सोनी कुमारी ने बताया कि उन्हें अब इस काम में मजा आने लगा है। घर के चौका बर्तन से फुर्सत मिलते ही ये बांस से सुंदर कलाकृतियां बनाने में जुट जाती हैं। ये सब देख के तो मेरा भी इच्छा हुआ कि हम भी सीखें। मेरे पास भी खाली टाइम रहता था हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद, तो उस टाइम में हम आके कुछ भी सीखें, उसके बाद अब करते भी हैं, जो भी टाइम मिलता है आके वहाँ पे करते हैं, कुछ इनकम भी हो जाता है। भारतीय सामाजिक परंपराओं में बांस की एक खास जगह है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले संस्कारों में बांस की उपयोगिता है। अब यही बांस इनके मान सम्मान और वजूद की पहचान बन रहे हैं। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी शमी की रिपोर्ट।